ईशान किशन को लगा बड़ा झटका, दिलीप ट्रॉफी से हुए बाहर, अब नहीं होगी टीम इंडिया में वापसी। टीम इंडिया के तूफानी विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन को दिलीप ट्रॉफी से पहले बड़ा झटका लगा है। ईशान किशन दिलीप ट्रॉफी से बाहर हो गए हैं। दरअसल पूरा भारत अब यही जानने को बेकरार है कि ईशान किशन की टीम इंडिया में वापसी कब होगी, कब फिर से ईशान किशन नीले या सफेद कपड़ों में टीम इंडिया के लिए क्रिकेट खेलते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल इन सवालों के जवाब में अब और देर होने वाली है, क्योंकि ईशान किशन दिलीप ट्रॉफी से बाहर हो गए हैं। जी हाँ, ईशान किशन के फैंस के लिए एक बुरी खबर सामने आ रही है। दरअसल जब ईशान किशन को दिलीप ट्रॉफी के स्क्वाड में चुना गया था तो ईशान किशन के फैंस काफी ज्यादा खुश थे, क्योंकि ईशान किशन की टीम इंडिया में वापसी के दरवाजे खुल गए थे। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है उसने ईशान किशन और उनके फैंस का दिल पूरी तरह से तोड़ दिया है, क्योंकि ईशान किशन 5 सितंबर से शुरू होने वाली दिलीप ट्रॉफी के पहले मैच से बाहर हो गए हैं। अब जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक ईशान किशन दिलीप ट्रॉफी का पहला मैच नहीं खेलेंगे। हालांकि वो इंजर्ड नहीं है, लेकिन फिर वो पहले मैच से बाहर क्यों हुए हैं इसको लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में वापसी अब मुश्किल। ईशान किशन दिलीप ट्रॉफी के आगे के मुकाबले खेलेंगे भी या नहीं इसको लेकर भी पूरी तरह से कुछ साफ नहीं है। सवाल यह भी है कि क्या उन्हें भारत बांग्लादेश टेस्ट सीरीज के लिए चुना जाएगा, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का सिलेक्शन दिलीप ट्रॉफी के पहले मैच के बाद ही होना है। लेकिन ईशान किशन दिलीप ट्रॉफी के पहले मैच से बाहर हुए हैं। लेकिन ईशान किशन के पहले मैच से बाहर होने की खबर के बाद नहीं लगता कि उनका सिलेक्शन भारत बांग्लादेश टेस्ट सीरीज के लिए किया जाएगा। अब अगर बांग्लादेश के खिलाफ उनको टेस्ट सीरीज के लिए नहीं चुना जाता तो फिर उन्हें टीम इंडिया में वापसी के लिए और लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि इसके बाद भारतीय टीम का लंबा क्रिकेट सीजन शुरू हो जाएगा। और अगर ईशान किशन पूरी की पूरी दिलीप ट्रॉफी में नहीं खेलेंगे तो उनको टीम इंडिया में वापसी के लिए ऐसा गोल्डन चांस दोबारा मिलेगा भी या नहीं, यह भी एक बड़ा सवाल है। पिछले साल खेला आखिरी इंटरनेशनल मैच। आपको बता दें कि ईशान किशन ने पिछले साल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेली गई T20 सीरीज के बाद ब्रेक लिया था। इसके बाद से ही वो टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं, क्योंकि इस ब्रेक के बाद उन्होंने BCCI की बात नहीं मानी और घरेलू क्रिकेट नहीं खेला। इसी बात से BCCI के आला अधिकारी और सेलेक्टर्स ईशान किशन से नाराज हो गए। इसी नाराजगी की वजह से ही उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तक से बाहर कर दिया गया था। T20 वर्ल्ड कप में भी नहीं मिली जगह। जब भारतीय टीम का सिलेक्शन T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए किया गया तो पहली चॉइस के तौर पर विकेटकीपर ऋषभ पंत ही थे, क्योंकि ऋषभ पंत ने IPL में धमाकेदार वापसी की थी और अपनी टीम दिल्ली कैपिटल्स के लिए न सिर्फ रन बनाए थे बल्कि विकेटकीपिंग में भी दमदार प्रदर्शन किया था। तो ऐसे में ऋषभ पंत का तो सिलेक्शन होना तय ही था। वही बात अगर ईशान किशन की करें तो IPL में वो कोई खास कमाल नहीं कर पाए थे, लेकिन फिर भी जिस तरह का उनका खेलने का अंदाज था और जिस तरीके से वो T20 में धमाकेदार पारियां खेलते हैं उसको देखकर सेलेक्टर्स उन्हें दूसरे दावेदार के तौर पर जरूर रख सकते थे, लेकिन सेलेक्टर्स ने ईशान किशन पर ध्यान नहीं दिया और उनकी जगह पर संजू सैमसन को चुन लिया। T20 वर्ल्ड कप के बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ खेली गई 5 मैचों की T20 सीरीज में भी ईशान किशन को नजरअंदाज किया गया। इसके बाद श्रीलंका दौरे पर भी ईशान किशन को टीम में सेलेक्ट नहीं किया गया। लेकिन इसी बीच ईशान किशन के लिए अच्छी खबर तब आई जब उन्हें दिलीप ट्रॉफी के लिए टीम में चुना गया। लेकिन अब ईशान किशन दिलीप ट्रॉफी से भी बाहर हो गए हैं और ये ईशान किशन और उनके फैंस के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि दिलीप ट्रॉफी से बाहर होने का मतलब ये है कि अब ईशान किशन को टीम इंडिया में वापसी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, ईशान किशन जिस तरह के खिलाड़ी हैं उसको देखकर क्या उन्हें टीम इंडिया में मौका मिलना चाहिए, क्या ईशान किशन की दोबारा से टीम इंडिया में एंट्री होनी चाहिए? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। इसके साथ ही साथ क्रिकेट की ताजातरीन खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।